किए तुमरी नाम कुसुमरी सुमरी आनंदे मारी ताली किए दुखरे दुखरे कुमरी कुमरी रागरे गाली सब भाव जेणु तार सत्य से भक्त रचनाता भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत जय जगन्नाथ। उत्कलर बाणी साधक मानंकर अनवद्य रचना एवं सेमानंकर साहित्य संस्कृति समर्पित जीवन ए जातिर होइछि मार्गदर्शिका। सेमानंकर रचना भितरे जेउ जीवन दर्शनर व्याख्यान रहिछि, सेमानंक जीवनी भितरे जेउ प्रेरणार उत्स रहिछि, ताहा ए जातिकु करिछि उद्बुद्ध। से वरेण्य कवि कुळर रचना एवं जीवनीकु नै विशेष कार्यक्रम भक्त कवि भक्ति गीतर आउ एक अध्याय रे आपण मानको अभिनंदन जणाउछु। भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। पंडित गोपबंधु दासंकर जीवनी एवं सृजनीकु नै आजिर ए विशेष आसर वरेण्य आलोचक भावे बाग्मी तथा अनन्य सारस्वत साधक माननीय डॉक्टर शांतनु कुमार रथ महोदय उपस्थिति रही संस्कृतिर अनन्य आलोचक तथा संस्कृति प्रख्यापक श्री शरणारविंदंकर एवं आम समय विशिष्ट कंठशिल्पी श्रोताप्रिय कंठशिल्पी मानक सहित वाद्यजंत्र विशारद मानक उपस्थिति कार्यक्रम को बेस रसयुक्त करुच्ची। कार्यक्रम भितर आम डॉक्टर रथ प्रथम देखा जो वरेण्य कवि पंडित गोपबंधु दास जदिओ उत्कलमणि बोली से संबोधित एवं जातीय चेतनारे ए जाति को से उद्बुद्ध कले किंतु तंक कवित्वर पराकाष्ठा एवं तंक कवित्वर विभा ए जाति को मध्य आच्छन्न करिछि। किभली भावरे से कविंकर जन्म होइथिला साखी गोपाळर स्वांडो ग्रामरे जेउठे भार्गवी नदी प्रवाहमान एवं किभली भावरे तंकर बाल्य जीवनरु जणा पडुथिला से जणे अनन्य जणे महामना हेबे ए जाति को उत्थित करिवे। उत्कलमणि गोपबंधु तांकर समग्र जीवन कालर समस्त कर्तव्य समस्त समर्पण जाति पाई करथिबा समस्त कर्तव्य ए सबुकु महाप्रभुंकर श्रीचरण रे समर्पण करि से करिचंदि। तांकर गोटे वाक्य अछि, उत्कले नेतार नाही प्रयोजन, उत्कलर नेता निजे नारायण। तेणु एक प्रकार भावना जी प्रकाश करि पारे निज साहित्य निज कृति रे तार अंतरटी किभली भावरे जगन्नाथ कैंद्रिक एवं किभली भावरे उत्कलर नेता निजे नारायण बोली स्वीकृति प्रदान करिवार जो प्रवृत्ति तांको भितर अछि से होचंदी उत्कलमणि गोपबंधु दास। मात्र 50-51 वर्षर जीवन काल 1877 रु 1928 मसीहा यारी भितरे ए जाति को जाग्रत करिबा पाई, ए जाति को उद्बुद्ध करिबा पाई, ए जाति को अस्मिता प्रदान करिबा पाई, ए जाति को स्वाभिमान प्रदान करिबा पाई समग्र जीवन काल को से नियोजित करिचंती। काहे की आवश्यकता पड़िला? पिता दैतारी दास, माता स्वर्णमयी देवी तांको कोलरे जन्म होइचंती गोपबंधु दास 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारीख रे एवं सेही दिन ठारु कि प्रकार महाप्रभुंकर करुणा तांको उपरे हेला एवं कि प्रकार पुण्य लग्न रे से जन्म ग्रहण करथिले सेही दिन ठारु ही सेही शिशुटी भितरे एक उत्कल मणित्व एवं उत्कल को जाग्रत करिवार गोटे स्वप्न गोटे स्पंदन गोटे स्फुरण सेही दिन रु सृष्टि हेला। एवं गोपबंधु तमाम जीवन तांकर केवल ए जाति को जाग्रत करिवा पई ए जाति को मंदिरित करिवा पई ए जातिर जहाँ जहाँ गौरव थिला ए जहाँ जहाँ ऐतिह्य थिला ताकू आणिकरी पूर्णी ओडिया मानक आखि आगे थोइबार जो प्रयास ताहा तांकु जातीयवादी कविर आख्या देछि। आउ तांकर अनन्य लेखनीरु महाप्रभुंक प्रति जो नैवेद्य निवेदन से करिचंती से नैवेद्यर धारा तांक लेखनी मुनरु झरी आसीछि। नमो निरंजन ताकू आमर
गायकी आम शुणेबे आम शिल्पीकूल शुणा एवं ता भर देखा जे गोपबंधु भक्तिमत्ता कि प्रकाशित हो नमो निरंजन निखिल निदान व्याप्त सर्वचराचर से ही सर्वव्यापी महाप्रभुंकर दिव्य चेतना को निज संगीत निज रचना मध्य तुली पंडित गोपबंधु दास से ही बरेण्य कवि अनवद्य रचना को संगीत उतारिदेवे आज ए आसर शिल्पी वृंद नमो निरंजन निखिल निदान व्याप्त सर्वचराचरे प्रभु दयामय मंगलालय प्रभु दयामय मंगलालय जय जगदीश हरे 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 नमो निराकार सर्वविश्वाधार व्यक्त्य बाह्य अभ्यंतरे प्रभु विश्वपति अगति रगति प्रभु विश्वपति अगति रगति जय जगदीश हरे 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 श्री महामहिमा कि बुझिब प्रभु क्षुद्र नर करिबारे कि भाषारे तब करिबे हे स्तव कि भाषारे तब करिबे हे स्तव जय जगदीश हरे 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 प्रभु परात्पर परम ईश्वर आशा दिय श्रीपय रे गुरुतव इच्छा हे नर पराणे गुरुतव इच्छा हे नर पराणे जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रकाशी करुणा जे पुण्य प्रेरणा दीयछ मो अंतरे करता हसीथि करुणा बरीथि करता हसीथि करुणा बरीथि जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे पंडित गोपबंधु दासंकर बाल्य जीवन को आमे जेतेबेले लक्ष्य करू दुख एवं दैन्य भितरे से बाल्य जीवन कटिचि जदियो आर्थिक स्वच्छलता थिला किंतु बाल्य जीवन रु से थिले मातृहरा से मातृहरा जीवन को नहीं दुखरे अवसाद भितरे बंचिथिबा गोपबंधु किंतु साहित्य मनस्क होइचंती कविता मनस्क होइचंती एवं से कविता से रचना भितरे भक्तिर एक चेतना तंको आच्छन्न करि बसिथिला किभळि थिला से बाल्य जीवन आउ किभळि थिला तंकर साहित्य प्रति उन्मुखता मातृवियोग परे पिता दैतारी दासंक तत्वावधान रे प्रतिपालित होउचंती गोपबंधु गां अवधानंक निकटरु पाठ पढार अयमारंभ होउचि एवं परे परे पुरी जिल्ला स्कूल पालटिचि तंक आद्य सांस्कृतिक प्रतिभार एंतुडीशाळ एवं परवर्ती मुहूर्त रे जेतेबेले रेभेन्सा को चली आसुचंती कटकर परिवेश प्रकृति आउ परिस्थिति आहुरी प्राचुर्य जोगई दउची तांको प्रतिभा को एही कटक रहणी भितरे तांको भितरे गोटे राष्ट्र पुरुषर जन्म होउची जे केवल मु मो पाई बंची भी नाही जो माटी रे अगणित मनीष दलित जो माटी रे अनेक लोक शिक्षारु वंचित
ଏମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସେବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲକାଟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନୀଳଗିରିରେ ଆସିକି ଓକିଲ ଭାବରେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକଶିତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ଭୂମି ବିକଶିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନା କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକାର୍ନେସନ୍। ଅତେବ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ ପୂର୍ବ କଥା ଜାଣିବା, ଆମ ପର କଥା ଜାଣିବା, ଆମ ସମୟର କଥା ଜାଣିବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା, ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି 1919 ମସିହାରେ ସମାଜ ନାମକ ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଆଶା ନାମକ ପତ୍ରିକା ଯାହା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ନିଜେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଛୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟିଏ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଏହା ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ 12 ମାସ 13 ଜାତକୁ, ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, କେବଳ ମାଧବ ସେବା କଲେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ମାନବର ସେବା କର, ମାଧବ ଆପଣା ଛାଏ ତୃପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣା ଛାଏ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେବେ ଜାଗର ବ୍ରତ ଆସୁଛି, ଜାଗର ପର୍ବ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର, ଏବଂ ଏହି ଜାଗରର ଭାବକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, କରିଅଛି ଉପବାସ ପୂଜିବି ଶଙ୍କର, ପୂଜିବି ଶଙ୍କର। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଜାଗରର ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜାତିକୁ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର, କରିଅଛି ଉପବାସ ପୂଜିବି ଶଙ୍କର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର। ପୂଜା କର ରହିବାକୁ ପୂଜା ଘର ରହିବାକୁ କାହିଁ ମୋର ବଳ, କି ଦ୍ରବି ପୂଜିବି ହବା, କି ଦ୍ରବି ପୂଜିବି ହବା ସେ ପଦ ଯୁଗର, କରିଅଛି ଉପବାସ ପୂଜିବି ଶଙ୍କର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର। ହୃଦ କପିଳା ସେତୁର ବହେ ପ୍ରେମ ଝର, ହୃଦ କପିଳା ସେତୁର ବହେ ପ୍ରେମ ଝର, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର, କରିଅଛି ଉପବାସ ପୂଜିବି ଶଙ୍କର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର। ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି, ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି, ସୁଧ ଭକ୍ତି ରସ ଦିଅ, ସୁଧ ଭକ୍ତି ରସ ଦିଅ ସେ ପ୍ରଦୀପେ ଜାଳି, କରିଅଛି ଉପବାସ ପୂଜିବି ଶଙ୍କର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର, ଜାଗର ଜାଣିଣ ହେବି ନିଶିଉ ଜାଗର। ସମସ୍ତ ଜୀବନ କର ଏକ ଶିବରାତ୍ରି, ସମସ୍ତ ଜୀବନ କର ଏକ ଶିବରାତ୍ରି, ଅନ୍ଧାରେ ନ ହୁଡ ପଥ, ଅନ୍ଧାରେ ନ ହୁଡ ପଥ ହେ ସୁର ଭଜା,
করিয়াছি উপবাস বুঝিবি শঙ্কর জাগর জারি নাহে বিদিশি উজাগর জাগর জারি নাহে বিদিশি উজাগর জাগর জারি নাহে বিদিশি উজাগর ডাক্তার রথ আমি पंडित गोपबंधु दासंकर कविता समग्र को जेतेबेले अवलोकन करे केऊ काव्यादर्श रे विशेष भाव रे से आछन्न थिले एवं केऊ काव्यादर्श तंकर जीवन को एजावत आछन्न करी रखिछि एवं तारी भितरे आमे जातिर प्रकृत परिचय को प्राप्त हेउछे। गोपबंधुंकर जीवन काल को जदि आमे पर्यालोचना करिबा सेटा ओडिसा पई गोटे संकट समय 1866 मसिया रे नंक दुर्भिक्ष हेछि। ए जाति से नौंक दुर्भिक्ष द्वारा भयंकर भाव प्रपीड़ित लक्ष लक्ष लोक प्राण हरई घोर दारिद्र्य घोर अनाहार भितर जाति प्रपीड़ित होपटे इंग्रेज आसिक शासन करुच्ची जे देश को लुंठन करार गोटे प्रक्रिया आरंभ करपटे ओडिया भाई माने निज राज्य छाड़ी उपांत अंचल मानक रही विभिन्न राज्य से भाषार सुरक्षा ना संस्कृति सुरक्षा ना से त्राही त्राही डाकुंट किमती भाषा बंचव किमती संस्कृति बंचव किमती आम ओडा भितर को चली जातु आम जो अंचल रोचु से अंचल किमी ओडा भितर मिशि जाता ये चारोटी कथा आच्छन्न कर रखी सेतार वायुमंडल को यही समय गोपबंधु आसुँच गोपबंधुंर कौन उद्देश्य ना सेपटे महाभारतीय चेतना देश में स्वाधीनता आंदोलन मुंड टेकिला एपटे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करिवार उड़िया भाई मानंकर जो मनर बेदना ताकु मध्य बुझिवार तेणु सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन करुचंती। सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन करिवार उद्देश्य होची जे एभली मनीषा हम एठी तयारी करिवा जो माने स्वाभिमान नहींकर गर्वित हेबे जो माने उड़िया बोली निजकु स्वाभिमान रे गर्व अनुभव करिवे एवं ए जाति पई प्राणपात करिवार सामर्थ्य तांको भीतर आसिबो एवं जेतेबेले प्रादेशिक स्वार्थ समाहित होते जातीय आंदोलन लंफ देवाई निजक प्रस्तुत करेंगे ये गोटे कथा आ गोटे बड़ कथा है जे धर्मपद काव्य रचना करमपद काव्य रचना कले धर्मपद तो गोटे किंवदंतीर कथा से कितु धर्मपद रचना कर देखा चाहिए जे धर्मपद जमती बारश बढ़ई जीवन रक्षा करने निजर जीवन को जलांजलि दे वर्तमान आम राज्य ओडिशा पाई उत्कल पाई से भली समय आसी वर्तमान जातीय स्वार्थ पाई व्यक्ति स्वार्थ को वर्तमान जलांजलि देवाक हम गोपबंधु को जदि आज कवि साहित्यिक भाव में आम स्वीकार करुचु गोपबंधु निजर खुशी पाई साहित्य रचना करना गोपबंधु समाज संस्कार पाई समाज जागरण पाई ओडिया जाति भितर गौरव बोध ऐतिह्यबोध सृष्टि करने साहित्य को गोटे माध्यम भाव ग्रहण करुगामी भाव में नहीं पंडित नीलकंठ दास को नहीं पंडित गोदावरी मिश्र को नहीं आचार्य हरिहर को नहीं जो माने से समय उच्च शिक्षित से माने उच्च उच्च पदवी को अस्वीकार कर आसिक सत्यवादी मन विद्यालय भात डालमा खाई चाल घरे पा पाठ पढ़ई उद्देश्य केवल गोटे ए जाति को जाग्रत करवा तेणु यही भाव जो गोपबंधुंर साहित्य रचना एवं से साहित्य रचना करी से साहित्य जो कविता माने रचना करी से कविता भितर जगन्नाथ आशीर्वाद कामना करुचंती जाति को जाग्रत करने कलम धरी महाप्रभु आपण मत कृपा करतु तेणु सबु भितर सबु कविता भितर से जगन्नाथ प्राणता सबु कविता भितर विभू मनस्कता एवं सबु कविता भितर साहित्य को भगवान को पाखरे निवेदन करी जातिर उत्थान पाई भगवान को पाखरे प्रार्थना करिबा एटा होची तांकर काव्यादर्श जो काव्यादर्श को परिपुष्ट करी ओडिया साहित्य रे सत्यवादी युग मात्र 10 वर्ष बयस 10 वर्षर अवधि 1910 मसीहारु 1921 मसीहा ए 11 वर्ष बयस भितर सत्यवादी युग ओडिया साहित्य रे निजर स्पष्ट मुद्रांक छाड़ी दे जाइछि जार नमूना आम ये कार्यक्रम भितर देखुचे से विश्व चेतनार निजक समर्पित कर उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर से सुंदर भक्ति संगीत भितर कहीं अच्छ नाथ पुराण देवता एक स्वतंत्र संगीत जहाँ को आज ये उतारिदेवे आवेगपूर्ण कंठ से शिल्पी रवींद्र महापात्र कहीं अच्छ नाथ पुराण देवता
देखा दिया मते हरे अब पारा बारे विषम प्रहारे ये हृदय मोर हरे अंतरे रही थीले लुची दिया बेगे सूची देखा हे बगी मंतरे देखा हे बगी मंतरे देखा हे बगी मंतरे भरी प्रकाशी वेद बदे संगीत रे रूप रेख कहीं वेदी सुनाही बाहरे की भीतरे बाहरे की भीतरे से दिव्य अंजन प्रभु निरंजन दिया नेत्र रे बारे तब ज्योति रेखा हे पथे देखा आजियो मां अंधारे आजियो मां अंधारे आजियो मां अंधारे जीवन रे आसीछि दुख और सुख उत्कलमणि गोपबंधुंकर प्रवेशिका परीक्षार उत्तीर्ण होती सफलता पाई सेपटे पिता दैतारी दास मृत्यु खबर पहुँची आउ गोटे समय जितेबले बीए पास फल प्रकाश पाई ठीक से ही समय एकम्र पुअर वियोगर दुखद खबर विशेष भाव आखिर लुह हो झरी जापटे ओकिलाती पास करिवार फल जेतेबेला हस्तगत होईचि सेपटे पत्नीकर वियोगर खबर मध्य मर्माहत करिचि किभळि मन किभळि आवेग नै से निज जीवन जीथिले ए जाति को समर्पि देथिले से जीवन को श्री शरणारविंद तांक भितरे ईश्वर भक्ति जेतिकि राष्ट्र भक्ति सेतिकि विभु सेवा करिवार आकांक्षा जेतिकि अगणित मानव जाति को सेवा जोगैबार मध्य उत्कंठा आग्रह ठीक सेतिकि प्रति मुहूर्त निज को समर्पि देचंती अगणित जनतांक पई जणक पई नुह गणक पई बंचिचंती गोटिए समय रे से ओडिया जनजीवन और विकास पई जो स्वप्न देखुथिले शिक्षार विकास पई एजुकेशन पई सत्यवादी वन विद्यालय कले एवं निज धार्मिक चेतना माध्यम रे मानव भितरे माधवत्व को अवतरित करिवा पई प्रति मुहूर्त प्रयास कले जहार फल सबू ये गीति समूह जहाँ आपण माने श्रवण करुचंती गोटिए पटे बन्या बात्या मड़ करू लक्ष लक्ष लोक बंचे बंचेबार चेष्टा चली तार किछि दिन न जाणु हईजारे आक्रांत होती हजार हजार लोक गोटिए पटे महानदी प्लावन प्लावित रूप धारण करी धाई आसला बेलू अन्य पटे कुशभद्रार बंध भांगी गला कौटी देवी नदी विराट घाई तैयारी कला सारा ओडिशा जलमग्न सेमिति समय रे निज मृत शिशुर कथा न भावी धाई जाइले अगणित जनतार कल्याण पाई अरे कौठू आणिले सिना दब गोपबंधु अत्यंत निकटतम आसम्बद थे बारिक पुओ जे सबुबले ट्रंकटा को धरी थे सांगे सांगे चली थे गोपबंधु निजे विषय लिखिं
ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାନାଥ ରଥ ମଧ୍ୟ ବାରିକ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାରିକ ପୁଅ ବାଟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଦେବା। ଚୁଡ଼ା ଦେବ କିଏ, ଚାଉଳ ଦେବ କିଏ, ପଇସା ଥାଉ କିଣିବାକୁ କେଉଁଠିକି ଯିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଯିଏ ଥିବା ଲୋକ ସିଏ ଦଉ, ଯିଏ ନଥିବା ଲୋକ ସିଏ ନଉ। ଦାସେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ପୂର୍ବ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବା ଦୁଃଖକୁ ପର ଗାଁରେ କହିଲେ। ଦୁଃଖ ଦେଖି କୃପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସୁଖୀ ଆତ୍ମାର ଛାତି ଫାଟିଗଲା। ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଆତ୍ମା, ମୋ ଆତ୍ମୀୟ, ମୋ ନିଜର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋ ଅମାରରେ ଚାଉଳ ରହିବ କାହିଁ, ନିଅନ୍ତୁ ଦାସେ ଆପଣେ, ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କି ପ୍ରୟାସ, କି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାର ସତ୍ୟରେ ତୁଳନା ହିଁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ ସବୁ ଆଶା ଭିତରେ ନିରାଶାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବାଧକ ଠିଆ ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ 1866ର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ, ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏ ଦଶ ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶୁଛି, ଆଗକୁ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ବାଟ ଦେଖାଅ। ଦଶ ଦିଗ ମୋତେ ଦିଶେ ଅନ୍ଧକାର, ଦଶ ଦିଗ ମୋତେ ଦିଶେ ଅନ୍ଧକାର। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ, ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଥ ଖୋଜୁଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରାଜନା କରିଛନ୍ତି, ଅଳି କରିଛନ୍ତି, ଆକୃତି କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେହି ଭାବାବେଗର ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରଶି ଦେବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର। ଜୀବନ ଅତି ଗୁରୁ ଭାର, ଲାଗେ ଜୀବନ ଅତି ଗୁରୁ ଭାର, କାହିଁ ମୋର ସେହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ ଧାର, କାହିଁ ମୋର ସୁଧା ମୟ ହୃଦହାର, କାହିଁ ମୋର ସେହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅତି ଗୁରୁ ଭାର, ଲାଗେ ଜୀବନ ଅତି ଗୁରୁ ଭାର, ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ପୁରା ଏବେ ମୋଚି ତୋରା, ଡୋଡ଼ି ଏ ପରାଣେ ସ୍ନେହ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ପୁରା ଏବେ ମୋଚି ତୋ ଡୋଡ଼ି ଏ ପରାଣେ ସ୍ନେହ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଅଳପ ଅପାଙ୍ଗେ ଅନାୟ ଅଙ୍ଗେ, ଅଳପ ଅପାଙ୍ଗେ
ସତି ଗମତେ ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାର ଡାକି ଜୀବନ ଅତି ଗୁରୁ ଭାର ଡାକି ଜୀବନ ଅତି ଗୁରୁ ଭାର ମଧୁର ମୁରଲୀ ବିମୋହନ ତାନ ଶୁଣା ଅଫୁଲ ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନା ସହିତ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ନିଜ ରଚନା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନୀ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବୋଧକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହା ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଡକ୍ଟର? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି କଥା, ଦୁଃଖ ବି ବିପୁଳ, କର୍ମ ବି ବିପୁଳ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଦୁଃଖ ସେ ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ନିୟତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେ ଦୁଃଖ, ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାତୃବିୟୋଗ, ପିତୃବିୟୋଗ, ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ କମ୍ ବୟସରେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ, ଏଭଳି ବିୟୋଗମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ମଣିଷ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ସେ କଥା ଜାଣେ। ଏବଂ ଏଇ ବିପୁଳ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ବିପୁଳ କର୍ମ, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେଉଁ କର୍ମ ନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମ କହିଲେ ସତ୍କର୍ମ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅସତ୍କର୍ମ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ କର୍ମ? କର୍ମ ହେଉଛି ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ତାର ବାଟ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କରିବା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭରିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା କରୁଛନ୍ତି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାଗ ନେବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଏସବୁ କର୍ମ ଗୋପବନ୍ଧୁ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳ? ମାତ୍ର 51 ବର୍ଷ। 51 ବର୍ଷ ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ, ଏତେ କର୍ମ ନ କରିଥିଲେ, ଏତେ କର୍ମର ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ, ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପାୟୁ କରିଦେଲା। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼େ ସହିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କର୍ମର ଜଞ୍ଜାଳର ଉଦ୍ବେଗକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନାରୁ, ସେ ଭକ୍ତିଗୀତ ହେଉଛି ଜୀବନରେ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବାର ବାଟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତା ମନରେ ଗ୍ଲାନି ଆସିଯାଏ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ତା'ର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଖୋଜେ? ଖୋଜେ କିଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ତାକୁ ମିଳିବ ଯିଏ ତାକୁ କର୍ମ ମୁଖର କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେତେ ଭକ୍ତିଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କବିତା ଭିତରେ, ସେ କବିତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକୃତି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ନେଇ
सी निज भितर अनुभव करुचंती प्रभु नीलाचल प्रभु महाप्रभुंकर नीलाचल धामटा गोटे रासस्थल हो जाऊ नीलचक्र तले के करिब वास के देखिब नीलाचले नित्यरास बोली हरि हरि के प्रेम भिकारी पराण पुलके तेजीब निश्वास तेणु प्राण रे पुलक अनुभव करुथिब हृदय अभ्यंतर रे प्रेम प्रसारित होकर थी समग्र जगत एकाकार देखा जाऊ समस्त प्राणी माने एकाकार देखा जाऊ समस्त भितर निज को देखु थी एक अनुभव करू करू प्राणर से ही पुलकमय अवस्था तार निश्वास चली जाव गोटे कल्पना आम भक्त कवि मैंने सब परंपरार अनुगामी उत्कलमणि गोपबंधु दास निज जीवन में महाप्रभुंकर कृपा भिक्षा करुचंती जो कृपार कणिका भाव आमे यही भक्त कवि भक्ति गीत कार्यक्रम अमरी लेखनी प्रस्तुत अनेक गुड़िए सुंदर रचना आम शुणा पाच नीलचक्र तले बास करी नीलाचल नित्य रास संदर्शन करी से नीलाद्रि मंडल अधीश्वर को निराजना करिवार बांछा पोषण करिचंती भक्त कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास आउ सेई भावनार सुंदर भक्तिर आवेदन को भक्तिर स्तवक को उतारी देवे शिल्पी श्री चरण महांति नीलचक्र तले के करिबो पास के देखिबो नीलाचले नित्य रास के देखिबो नीलाचले नित्य रास बोली हरि हरि के प्रेम भिकारी बोली हरि हरि के प्रेम भिकारी पराण फुल के तेजीवनी श्वास पराण फुल के तेजीवनी श्वास बोली हरि हरि के प्रेम भिकारी बोली हरि हरि के प्रेम भिकारी सही रही जार निज पर ज्ञान पाए निज जार स्नेह सम्मान पाए निज जार स्नेह सम्मान विश्वहिते जार आहार विहार विश्वहिते जार आहार विहार करे विश्वहिते जे जीवन दान करे विश्वहिते जे जीवन दान विश्वहिते जार आहार विहार विश्वहिते जार आहार विहार सही करे जेहु सत्य आचरण सत्य आराधना सत्य संभाषण सत्य आराधना सत्य संभाषण भीतर बाहर जार सत्य सार भीतर बाहर जार सत्य सार सुख दुख सदा सत्य चरण सुख दुख सदा सत्य चरण भीतर बाहर जार सत्य सार भीतर बाहर जार सत्य सार नहीं जाति भेद नहीं धर्म भेद साम्य मैत्री मंत्र गाए जार भेद साम्य मैत्री मंत्र गाए जार भेद के करिब भवे देवता मानवे के करिब भवे देवता मानवे नीलाचले तार प्रवेश निषेध नीलाचले तार प्रवेश निषेध के करिब भवे देवता मानवे 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 मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीवनर मानदंड ए पदपंक्ति रचना करिथिले पंडित गोपबंधु दास आउ ए पदपंक्ति बोधुए प्रासंगिक तांक जीवन पई जे जणे कर्मयोगी भावरे जणे जातीय चेतनारे उद्बुद्ध हुई ए जाति को अगुसार करिवार जाति को उद्रेक करैवार जाति को उठाइवार जो संकल्प से नैथिले सेथरे मध्य सफल होइथिले किभळी से समर्पित जीवन शेष आड़ को जाउथिला आ मृत्यु तंकु शीतल करदेवा पूर्वरु आवरी नेबा पूर्वरु निजर जातीय कर्तव्य को से किभळी भाव रे संपादन करैथिले उत्कलमणि गोपबंधु दास
ओडिशा को सामाजिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक ये तीनोटी स्तर रे समृद्ध भाव रे देखिबा को चाहुतले एवं प्राचीन ओडिशा रो उत्कल प्रदेश रो जो विशाल भौगोलिक स्वरूप तार मध्य पुनर्गठन करिबा को चाहुतले जेतेबेले निजर सकल इच्छा सकल स्वप्न को पूर्ण करिबा पई आहुरी आयुषर आवश्यकता थिला ठीक सेतिकी बेले रोगाक्रांत हेले उत्कलमणि गोपबंधु दास चिकित्सा पाई जाई चिकित्सित हेले महानगरी कलिकतारे काठ जोड़ी नई पठारे उपरे मंच उपरे चौकी उपरे बापू बसी महात्मा गांधी तले चकापारी जी बसी बापू पाद पाखे आउ निज वक्तव्य प्रथम कही जगन्नाथ रूपी सकल ओडिया गोपबंधु दास मुंडिया मारुची ये प्रमाण करूला जगन्नाथ प्रीति पवित्र नेत्रोत्सव गोटे पटे महाप्रभु नुआ आखिरे सारा दुनिया को देखुचंती पटे बंगर भूमि सबुदिन आखि बुझिले उत्कलमणि गोपबंधु दास समग्र उत्कलवासी आखिरे लुह उत्कलमणि गोपबंधु नहंती सत किंतु बंची रही कृति कीर्ति क्रांति आज भी अगणित कंठरे उच्चारित होउचि तांकर भावमय भक्ति गीति तांकर काव्य तांकर कविता तांकर प्रतिटि पंक्ति तांकर सेवा मनोवृत्ति प्रेरणा दउचि आमको जिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दयामय बोली स्तुति करुथुले कहुथुले जगतपति जदि कहार गति नाही त कोन हैला तमे हुच तांक तार गति प्रभु दयामय जगतपति अनाथ नाथ अगतिर गति अगतिर गति से दयामय जगतपति अनाथर नाथ अगतिर गति को निराजना करिछंती स्तव करिछंती ए जाति पाई ए राष्ट्र पाई आउ से राष्ट्रर महानायकंकर अमर लेखने निसृत ए भाव संगीत को भावरे परसी देबे आसरर शिल्पी समुदाय प्रभु दयामय जगतपति अनाथर नाथ गति गति तब श्री चरण यही विनती करुछु उत्कल शिशु संतति मिली आजि एक मने दिय नव तेज नवीन साहस उत्कल माता जीवने नव तेज नवीन साहस उत्कल माता जीवने साधु अनुष्ठाने
सदा मन धनजे संसार तुमुला रंग प्रांगणी उत्काल रंगी पछरे के गृहर पाचेरी परिधीरे रची सम्मोह कारापुरी बाहरे रही विपुल जीवन मुत पारिनी भूली एकईर पर अनेकर डाक मुत पारिनी एड़ी छंदना एवे चरणे मोहर अंध ममता बेड़ी दिय छाड़ी दिय मोते चली जाए आज चली जाए मुही विश्वजीवन पथे से विश्वजीवन पथरे जी थे एक निरलस पांथ सत्यवादीर संथ ये जातिर मौड़मणि आउ ए जाति को जे उत्थित करिछंती आउ ए जाति को जे अस्मिता बोध प्रदान करिछंती से बरेण्य भक्त कवि दासे आपणेंकु ए जाति कृतज्ञता रे प्रणति बाढ़ुथिबो भक्त बंधु परवर्ती अध्याय रे आउ जने भक्त कविंकर सृष्टि और दृष्टि को नै आलोचना एवं साहित्य संगीतर अपूर्व समन्वय को आमे आपण मानक निकट को टेकी देबु आज पई नेउछु मेलाणी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भक्त कवि भक्ति गीत प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।